दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पीयूष गोयल जी द्वारा आरपीएफ की कब से फॉर्म भरी जाएगी उसके रिगार्डिंग ट्वीट किया गया है, तो इस वीडियो में बने रहिए। आपको बताते हैं कि कब से आप एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, एग्जामिनेशन का फॉर्म मोड क्या होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। तो आप अभी तक हमारे चैनल पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन पर प्रेस जरूर करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली रेलवे एग्जामिनेशन से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट और एग्जामिनेशन मटेरियल आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, आप क्वान्टिटी एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स और जीएस जीके का यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे वेबसाइट है www.rtofficerjob.com, जहाँ पे मैं डेली क्विज डालता हूँ, वहाँ पे आप जाके अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कहीं पे भी कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री से अपने मोबाइल में भी ओपन करके आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एग्जामिनेशन का फॉर्म कब से फिल किया जाएगा। तो आपको ये देख रहे हैं कि ये ट्विटर का पीयूष गोयल जी का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर है, यहाँ पे जो भी ट्वीट होता है वो 100% सही होता है, 100% करेक्ट होता है। तो इस ट्विटर में आज क्या ट्वीट किया गया है, तो आपको नीचे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि एग्जामिनेशन का जो आरपीएफ का जो कैंडिडेट है उसके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे बीजेपी द्वारा ट्वीट किया गया था, जिसको पीयूष गोयल जी ने रीट्वीट किया है और बीजेपी का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर है और ये ट्वीट आज कुछ घंटे पहले किया गया है। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि आरपीएफ और आरपीएफएफ के लिए अधिसूचना मीन्स नोटिफिकेशन 29 से 25 मई 2018 के रोजगार प्रसार समाचार में प्रकाशित होगी। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 है। तो दोस्तों जो कि नोटिफिकेशन जो रिलीज होने का जो होगा, तो क्योंकि नोटिफिकेशन का कंप्लीट डिटेल जो होता है वो अधिसूचना तैयार किया जाता है, जो कि 29 से 25 वीक मई का जो वीक होगा उसमें रोजगार समाचार में एम्प्लॉयमेंट न्यूज में प्रकाशित किया जाएगा। तो उसके अराउंड अपॉक्स एक महीने का टाइम फ्रेम होता है कोई भी फॉर्म को फिल करने के लिए। तो 19 से स्टार्ट होगा, तो जून 19-20 जून तक फॉर्म फिल किया जाएगा और टोटल जो फॉर्म वैकेंसी है वो 9000 से अधिक था, मीन्स हम लोग 9500 का अकॉर्डिंग द ट्वीट के अकॉर्डिंग अनुमान लगा सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं, जो भी स्टूडेंट आरपीएफ और आरपीएसएफ में आवेदन करना चाहते हैं वो अभी से प्रिपरेशन को स्टार्ट रखें। मैं अपने वीडियो अपने चैनल पांडे गुरुजी में अपलोड किया हूँ कि आरपीएफ के लिए रिक्वायरमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, उसमें योग्यता क्या होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो हमारे चैनल पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।